नमस्ते बच्चों कक्षा नौ विषय गणित और प्रश्नावली चौथी शुरू कर रखी है अपने तो देखो चार पॉइंट एक और चार पॉइंट दो के क्वेश्चन अपने हल कर चुके हैं चार पॉइंट तीन के क्वेश्चन देखो लेखिक समीकरण से रिलेटेड अपनी जो प्रश्नावली है चल रही है तो चार पॉइंट तीन में भी क्या है कि लेखिक समीकरण आपको दे रखी है उनके हलों को निकालते हुए आपको क्या करना है आलेख बनाना है तो अपने एक एक करके हल करके देखते हैं कि कैसे आलेख बनता है जैसे पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन अपने को दे रखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू क्या है चार है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये क्या है y है इसको अपने ऐसे मोड़ देते हैं कि x plus y equal to 4 है पहले x और y की वैल्यू निकाले चाहे x की एक साइड रख लो चार माइन वाई उधर जाएंगे तो माइनस में ठीक है अब y की वैल्यू अपने एक रखें y की वैल्यू एक रखें अपने एक सारणी बना लेते हैं यहाँ पे देखो यहाँ पे सारणी बना लेते हैं दो तीन मानों के लिए जैसे ये मान ऊपर वाले एक्स के हो जाएंगे नीचे वाले वाई के एक्स की वैल्यू क्या आएगी जब वाई की वैल्यू एक रखेंगे तो चार में से एक गया तो एक्स की वैल्यू तीन जब वाई का मान दो रखेंगे तो चार में से दो गए दो एक्स का मान दो और जब वाई का मान तीन रखेंगे तो चार में से तीन गए तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी एक आ जाएगी अब आपको क्या बनाना है ग्राफ बनाना है ये देखो ये एक्स अक्ष है ये वाई अक्ष है ये क्या है एक दो तीन और ये भी क्या है एक दो तीन अब x का मान तीन है तो y का मान कितना है एक फिर इसका भी दो है इसका भी दो है फिर इसका एक है x का और इसका तीन है इस प्रकार है तीन के इक्वल आएगा बिल्कुल जहां पे भी तीन होगा ठीक है अब इनको क्या करना है इस प्रकार स्केल से आपको मिला देना है बिल्कुल सीधा स्केल से तीनों बिंदुओं को मिला देना है ये ग्राफ आपका इस प्रकार बनेगा अब देखो दूसरा जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू दो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी दो प्लस वाई फिर इसके लिए सार नहीं बना लो तीन चार मानो के लिए ठीक है ये x और ये y कितने भी मान आप निकाल सकते हो जितने आप चाहो उतने ठीक है x का मान पहले y का मान एक रखेंगे तो x का मान तीन y का मान दो रखोगे तो दो और दो चार जीरो से भी स्टार्ट कर सकते हो कि y का मान जीरो रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा दो तीन रखोगे तो कितना आ जाएगा पांच वही बात फिर यहाँ पे ग्राफ बनाना है एक्स अक्ष और ये कौन सी अक्ष वाई अक्ष ठीक है एक दो तीन चार पांच एक दो तीन चार सबसे पहले एक है तीन है जब एक्स का मान तो वाई का मान कितना है एक जब इसका मान दो है तो वाई का मान दो है तो एक्स का मान कितना है चार दो है चार। जब x का मान दो है तो इसका मान क्या है जीरो x का मान पांच है तो y का मान कितना है तीन तो स्केल की सहायता से सीधा इसको इस प्रकार आप मिला दोगे इस प्रकार हल करना है अब तीसरा देखो y इक्वल टू थ्री एक्स है y इक्वल टू क्या है थ्री एक्स है फिर इसके लिए सारी बनाओगे मान निकालते हुए ठीक है ये क्या है एक्स वाई एक्स का मान एक रखोगे तो वाई का मान तीन तीन एकम तीन दो रखोगे तो वाई का मान तीन रखोगे तो वाई का मान नौ चार रखोगे तो वाई का मान बारह इस प्रकार चलता जाएगा इसके लिए फिर उससे ग्राफ बनाओगे आप यहां पे जैसे ये है आपका ग्राफ ये है एक्स अक्ष ये है वाई अक्ष ग्राफ पे करने हैं हल एक दो तीन चार पांच इस साइड क्या आएगा एक दो तीन चार पांच, छ सात आठ नौ आगे तक जितने भी हो एक्स का मान एक है तो वाई का मान तीन एक्स का मान दो है तो वाई का मान छ एक्स का मान तीन है तो वाई का मान नौ फिर बारह मतलब इस प्रकार सीधी लाइन आएगी खड़ी हुई आपकी सीधी बिल्कुल बकराफ पे बनाओगे तो बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी आपकी इस प्रकार ये है आपकी चार पॉइंट तीन का पहला क्वेश्चन इसके बाद देखो अपने हल करेंगे आगे के जो क्वेश्चन है इसके इसके बाद देखो चार पॉइंट तीन का पहला क्वेश्चन अपने हल कर लिया है दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि बिंदु दो चौदह से होकर जाने वाली दो रेखाओं के आपको समीकरण लिखने है। हैं कितनी भी रेखाएं हो सकती है आपको कोई भी दो रेखाएं दो समीकरण लिखने हैं जो इन दोनों को संतुष्ट करे अब ये देखो ये तो क्या है एक्स का मान ये किसका मान है वाई का मान अपने पास एक्स है वाई है कोई समीकरण इस प्रकार लिखनी है कि यदि एक्स प्लस वाई लिखती है तो यहां पे क्या आई फिर बारह और दो चौदह और दो क्या होंगे सोलह एक्स की जगह क्या रखोगे दो वाई की जगह क्या रखोगे चौदह चौदह और दो सोलह सोलह इक्वल टू सोलह बराबर होगी कि एक्समीकर तो ये लिख दी अब यदि अपने लिखते हैं एक्स माइनस वाई मतलब एक्स माइनस वाई तो माइनस वाई चौदह होंगे दो चौदह में से दो गे बारह तो इक्वल टू माइनस के बारह आने चाहिए क्योंकि माइनस के बारह इस साइड आएंगे हल करेंगे तो मतलब इस प्रकार दो मीकर लिखनी है कि जो वैल्यू उसको हल करने पर इस साइड आएगी वही साइड में आपको लिखनी है सोचते हुए कि एक्स प्लस वाई बराबर सोलह लिख सकते हैं या तो प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो फिर बारह आएगा तो इस साइड क्या लिखेंगे अपने माइनस बारह लिखेंगे इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन कि ये जो बिंदु है इस समीकरण को संतुष्ट करता है तो आपको ए का मान ज्ञात करना है पहले तो क्या करते हैं अपने ए का मान ज्ञात करते हैं ए एक्स प्लस सात ठीक है तीन वाई इक्वल टू एक्स प्लस सात तो एक्स की जगह तो क्या रखना है तीन और वाई की जगह क्या रखना है चार तो तीन गुना चार इक्वल टू ए की वैल्यू निकालनी है तीन प्लस सात चारतीय बारह प्लस के साथ है इस साइड किस में जाएंगे माइनस में चारतीय बारह माइनस में गे सात पांच तो ए की वैल्यू क्या आ गई पांच बटा में तीन ए की वैल्यू पांच बटा में तीन अब अपनी समीकरण क्या है तीन वाई ए की बराबर है सॉरी तीन वाई पांच बटा में तीन एक्स प्लस सात तीन से गुणा कर दे सारे समीकरण को तो क्या हो जाएगा नौ वाई पांच एक्स प्लस सात यह इक्कीस अब इस पे क्या बनाना है आलेख भी बनाना है आपको जैसे अपने पहले क्वेश्चन में कर रहे थे उसी प्रकार तो कैसे बनाएंगे आलेख देखो यहां से आप किसी की वैल्यू निकाल लो वाई की वैल्यू है पांच एक्स प्लस इक्कीस वटा में नो ठीक है वही सारणी बनाओगे सेम ग्राफ बनाओगे तो ये सारणी है आपके पास ठीक है एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू वन रखते हैं वन रखा पांच एकम पांच इक्कीस और पांच कितना हो गया छब्बीस वटा में नो इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा नहीं तो आप इस प्रकार की वैल्यू रखो जो पूरी पूरी भाग चला जाए सोच के हल करके आगे से आगे दो रखोगे जीरो रखोगे तो इक्कीस बटा में नो वो भी हल नहीं होगी तीन रखोगे तो पांच दिए पंद्रह पंद्रह हाँ तीन रखोगे तो वो हल हो जाएगी कि एक्स की वैल्यू आप तीन रखोगे तो पंद्रह और इक्कीस आपके पास हो जाएंगे छत्तीस और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी चार इसी प्रकार आगे से आगे हल करते जाना जो पूरी पूरी वैल्यू आएगी वो रख के फिर आप इसको ग्राफ पे हल कर सकते हो पहला क्वेश्चन में मैंने करवाया है समझाया है उसी प्रकार इसको समीकरण को हल करते हुए आप इसको हल कर सकते हो इसके बाद देखो चौथा क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है कि पहले किलोमीटर का किराया तो कितना है आठ रूपए पहला एक किलोमीटर है उसका किराया कितना है आठ रूपए और बाद में जो किलोमीटर जितने भी तय करते हैं उसका किराया है पांच रूपए और जो टोटल किराया है वो कितना है वाई टोटल किराया वाई है टोटल किलोमीटर कितने हैं एक्स है टोटल किलोमीटर कितनी है, है? एक्स ठीक है टोटल किलोमीटर एक्स है पहले किलोमीटर का किराया तो है ये तो इसको तो एक से गुना करोगे टोटल एक्स एक्स में से एक किलोमीटर का किराया तो इतना है पीछे फिर किलोमीटर कितने रह गए एक्स माइनस एक और टोटल किराया कितना है वाई समीकरण समझ में आनी चाहिए तो क्या आ तो गया आठ प्लस पांच एक्स माइनस पांच इक्वल टू वाई पांच एक्स प्लस के तीन बच जाएंगे इक्वल टू तो वाई इक्वल टू वाई कि y का वैल्यू अपने पास क्या आगी पांच एक्स प्लस तीन आ गई ठीक है ये अपने पास आगी y की वैल्यू पांच एक्स प्लस तीन अब देखो कैसे हल करेंगे इसको कि y की वैल्यू अपने पास आगी पांच एक्स प्लस तीन वो इार नहीं बन जाएगी सेम ग्राफ बनाना है जब ये है एक्स वाई एक्स की वैल्यू जीरो जीरो होगी ये जीरो तो वाई की वैल्यू तीन एक्स की वैल्यू वन रखेंगे तो पांच एकम पांच फिर पांच दिए आठ दो रखोगे तो पांच दूनी दस और तीन तेरह तीन रखोगे पंद्रह और तीन अट्ठारह इस प्रकार ये आपके सारणी बनगी और फिर इसी प्रकार आपको ग्राफ बनाना है जीरो एक दो तीन इस साइड क्या आएगा एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह इस साइड जहां तक जाना है वहां तक ग्राफ बना लोगे ठीक है अब जीरो है एक्स की वैल्यू तो और वाई की वैल्यू तीन तो कहाँ आएगा यहां इसकी वैल्यू एक है और वाई की कितनी है आठ है कहा आएगा दो है तेरह है आगे मतलब यहां से इस प्रकार आपका सीधी लाइन ऊपर की तरफ जाएगी बढ़ती हुई ग्राफ में बनाओगे तो बिल्कुल सही आपका ये ग्राफ बन जाएगा तो ये आपके चार तक के जो क्वेश्चन है वो अपने इस वीडियो में करेंगे और आगे के जो क्वेश्चन है वो अपने अगली वीडियो में करेंगे तो आपके चार तक के क्वेश्चन पूरे हुए धन्यवाद